नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। आज मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बताने जा रही हूँ। हार्मोन्स भाषा का प्रयोग सबसे पहले 1906 में स्टर्लिंग ने दिया था। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट बाय केमिकल कॉल्ड हार्मोन, यानी हार्मोन एक ऐसा विशिष्ट यौगिक होता है जो हमारे रुधिर से होता हुआ हमारे अंगों तक पहुंचता है और उसके कार्यों को प्रभावित करता है। हार्मोन्स को एक दूसरे शब्दों में हम स्टिमुलेट या एक्साइट ये भी कह सकते हैं, यानी कि ये उत्प्रेरण का भी काम करता है। हार्मोन्स होते क्या हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, कैटेकोलेमिन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोटीन, ये सभी हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है। स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये तीन तरीके की ग्रंथियों के बारे में मैंने बताया है। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा है मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी इसके द्वारा जो भी पदार्थ सिक्रीट किया जाता है वो एक नलिका के माध्यम से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। इसमें तीन तरह की ग्लैंड आएंगी, मिल्क ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। इसे कोड वर्ड में मैंने MTS लिखा हुआ है ताकि आप अच्छी तरीके से याद कर सकें। नेक्स्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके जरिए जो सिक्रीशन होता है उसे ही हम हार्मोन्स कहते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी इसके जरिए जब हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो बिना नलिका के सीधे रुधिर में आता है और वहाँ से हमारे अंगों तक पहुँचता है और उसके कार्यों को प्रभावित करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में कई तरीके की ग्लैंड आती हैं, PTP, ATP, G एंड O एंड T। इसे कोड वर्ड में मैंने लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगी। P से पिट्यूटरी, T से थायराइड, P से पैराथायराइड, A से एड्रिनल, T से थाइमस, P से पैंक्रियास, G से गोनेड, O से ओवरीज एंड T से टेस्टिस। ओवरीज जो होती है वो फीमेल ग्लैंड होती है और टेस्टिस जो होता है वो हमारा मेल ग्लैंड होता है। थर्ड जो ग्लैंड आती है इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसके अंतर्गत पैनक्रियास आती है। पैनक्रियास को मिक्स ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका 98% भाग एक्सोक्राइन होता है और 2% पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन होता है। इसी 2% भाग में ही, यानी इंडोक्राइन भाग में ही ढेर सारी, यानी 10-20 लाख की संख्या में लैंगरहैंस पाए जाते हैं, जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या हिंदी में लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहा जाता है। इसी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जरिए इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और इंसुलिन की कमी की वजह से ही हमें डायबिटीज़ रोग होता है, जिसे कि हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं। इसके अलावा पैनक्रियास के एंडोक्राइन भाग में कई तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। पहली है अल्फा सेल्स, सेकंड बीटा और थर्ड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल जो होती है वो एंडोक्राइन का 25% होती है, बीटा सेल्स 60% होती है एंड डेल्टा सेल्स 10% होती है। बाकी 15% जो होती है वो PP सेल्स पाई जाती है। अब आइए हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। यदि आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और उसके हार्मोन्स के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो आप इस तरीके का एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में आपने फर्स्ट ब्लॉक में आप लिखेंगे नेम द ग्लैंड, सेकंड में लोकेशन इन द बॉडी, थर्ड में सीक्रीशन, फोर्थ में फंक्शन एंड फिफ्थ में डिजीज। अब सबसे पहले जो ग्लैंड आती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए जितना भी सिक्रीशन होता है उसे ये कंट्रोल करता है। सिक्रीशन का मतलब स्राव या निकलना, ठीक
ठीक है, यानी मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि जितना भी भाग एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी कुछ सिक्रीट करता है उसे ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित होता है? ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन। क्या सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। यानी हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और दूसरा प्रोटीन के संश्लेषण को ये बढ़ाता है। यदि इसकी कमी हो जाए, यानी ग्रोथ हार्मोन यदि हमारी बॉडी में कम सिक्रीट हो, तो हम बौने ही रह जाएंगे, जैसे कि हम ड्रॉपिज्म कहेंगे या हिंदी में बौनापन कहेंगे। और यदि इसकी अधिकता हो जाए तो हम क्या होगा, हमारा शरीर काफ़ी तेजी से लंबा हो जाएगा, जिसे कि हम जाइगेंटिज्म या जायंटिज्म भी हम कह सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा अन्य हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है। सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन को जो है स्टिमुलेट करता है, यानी उत्प्रेरित करता है। थर्ड है आपका गोनेड हार्मोन। ये क्या करता है? टेस्टिस एंड ओवरीज की एक्टिविटीज़ को जो है रेगुलेट करता है, रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरीज। अब हमारी जो सेकेंड ग्लैंड आती है उसे हम थायराइड ग्लैंड कहेंगे। ये कहाँ पर स्थित होती है? ब्लो द लैरिंग्स इन फ्रंट द ट्रैकिया, यानी लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ठीक सामने। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है ये, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। और इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म के रेट को ये रेगुलेट करती है। और इसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से जो रोग होता है उसे गॉइटर या हिंदी में हम घेंगा रोग भी कहते हैं। अब ये घेंगा रोग है होता क्या है? जैसे कि हमें जो है वो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, तो आयोडीन की कमी होने से ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसकी कमी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है ये हम जो गले में होती है ये पूरी तरीके से फैल जाएगी या बड़ी हो जाएगी, और इसे ही हम ग्वाइटर या घेंगा रोग कहेंगे। थर्ड है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? थायराइड ग्लैंड के अंदर ही ये धंसी होती है, यानी फोर स्मॉल ग्लैंड प्लेस टू ऑन आइदर साइड ऑफ द थायराइड। क्या चीज सिक्रीट करती है? पैराथार्मोन, पैराथायराइड से पैराथार्मोन। और ये इसका फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ब्लड कैल्शियम लेवल। फोर्थ ग्लैंड आती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, पहला है कॉर्टेक्स, दूसरा आता है हमारा मेडुला। और इसी मेडुला से ही एड्रिनल हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये हमारी बॉडी में कहाँ स्थित होता है? एट द टॉप ऑफ ईच किडनी, किडनी के टॉप पर स्थित होता है। इसका काम क्या है? एड्रिनलिन का काम क्या है? प्रिपेयर द बॉडी फाइट और फ्लाइट बाय इंक्रीजिंग द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेट ऑफ रिस्पिरेशन एंड मैक्सिमाइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी एक तरीके से ये समझिए कि क्रोध, डर, भय, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हमारी बॉडी से इसका सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, और संकटकालीन अवस्था में हम सही निर्णय ले पाने में जो है समर्थ होते हैं। यानी हम सही निर्णय किस कब ले पाते हैं? उसका कारण एड्रेनलिन हार्मोन होता है। इसके अलावा रोंगटे खड़े होना, आंखों की पुतली का बड़ा होना और हार्ट बीट का तेज़ी से बढ़ जाना, सांसों की गति का बढ़ जाना, ये सारी क्रियाएं किसकी वजह से होती हैं? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही होती हैं। अब डिजीजेस क्या होती हैं?
यदि एड्रेनलिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो उसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसे एडिसन डिजीज कहते हैं। ये एक तरीके का डिहाइड्रेशन होता है, यानी हमारे शरीर में जो होती है पानी की कमी हो जाती है और हमारी बॉडी पर रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। यदि इसकी एड्रेनलिन की यदि अधिकता हो जाए, यानी ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगे, तो इससे हमें एड्रेनल बिल्डिज्म डिजीज हो जाएगी। ये एड्रेनल बिल्डिज्म क्या है, जैसे मूंछों का आना, यानी मेल एंड फीमेल बोथ दोनों में आवाज़ का भारी हो जाना, बांझपन हो जाना, ये सारी चीज़ें एड्रेनल बिल्डिज्म की वजह से होती हैं। एक और डिजीज होती है जिसे कि हम प्रीकॉशियस मैच्योरिटी कहते हैं, यानी समय से पहले ही शरीर का डेवलप हो जाना, दैट्स कॉल्ड प्रीकॉशियस मैच्योरिटी। अब इसी एड्रेनल ग्लैंड से एक और हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे कि हम कॉर्टिसोन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, यानी फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के ये मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है और सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को जो है बॉडी में ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, ये किसका सिक्रीशन करती है, थाइमोसिन का। थाइमोसिन क्या करती है, द लिम्फोसाइट सेल्स प्रोडक्शन एंड दिस सेल्स इम्प्रूव इम्यूनाइजेशन पावर, यानी थाइमोसिन क्या करता है कि लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोडक्शन करता है और ये लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती है, जीवाणुओं को यानी जर्म्स को ख़त्म करती है, एंटीजन को किल करती है और शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, यानी हमारी इम्यूनाइजेशन पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो हमारी होती है पैनक्रियास। ये कहाँ स्थित होती है, इन द लूप ऑफ द ड्यूडेनम एंड स्टमक, यानी उदर गुहा में आमाशय के पीछे एक हल्की गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है जिसे ही हम पैनक्रियास कहते हैं। इसका क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन, और इंसुलिन का क्या काम होता है, ये एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज, ठीक है। अब डायबिटीज होता कैसे है, हमारा जो ब्लड है, डायबिटीज होता कैसे है, हमारे ब्लड में हमारे शरीर में यदि इंसुलिन जो है वो ठीक तरह, मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन यदि कम हो जाए तो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो ब्लड से अच्छी तरीके से ग्लूकोज ले नहीं पाती हैं और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा धीरे बढ़ती चली जाती है और अंत में ये ग्लूकोज जो होता है वो हमारे यूरिन में पहुंच जाता है और यूरिन क्या होता है, वो पतला हो जाता है और हमें बार बार टॉयलेट लगती है, जिसे हिंदी में बहुमूत्रता की स्थिति भी कहते हैं और इसे ही हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं, यानी मधुमेह। नेक्स्ट ग्लैंड आती है गोनेड्स। गोनेड्स को हम जनन ग्रंथि भी कहते हैं। गोनेड्स में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ओवरीज और दूसरा होता है टेस्टिस। ओवरीज को फीमेल ग्लैंड कहते हैं और टेस्टिस को जो होते हैं जो है मेल ग्लैंड कहा जाता है। ये जो ओवरीज होती है ये कहाँ पर स्थित होती है, ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस एंड ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस, और क्या सिक्रीट करती है, ऑस्ट्रोजन, जिसका काम क्या है, प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, यानी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करती है इसी ओवरीज के जरिए। नेक्स्ट हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कि हम प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ब्रिंग चेंज इन द बॉडी ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, यानी प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं वो प्रोजेस्ट्रॉन के जरिए ही होते हैं। अब आता है टेस्टिस, कहाँ पर स्थित होता है, हमारे शरीर के बाहर एक स्क्रॉटल कोस होता है जहाँ पर ये स्थित होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और
एंड्रोजन्स, या तो इसे टेस्टोस्टेरोन कहेंगे या तो एंड्रोजन्स कहेंगे। इसका काम क्या है, प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, यानी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करना, जैसे कि सीने में बाल का आ जाना, मूंछों का आ जाना, अन्य सेक्सुअल अंगों का डेवलप हो जाना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको डिटेल में बताया, लेकिन अब हम इसे आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका भी बताएंगे। हम इसे याद कैसे करेंगे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, थायराइड, थायरॉक्सिन, पैराथायराइड, पैराथॉर्मोन, एड्रिनल, एड्रिनेलिन, थाइमस, थाइमोसिन, पैनक्रियास, इंसुलिन, गोनेट्स में ओवरीज, ऑस्ट्रोजन, ओ से ऑस्ट्रोजन और ओ से ओवरीज, टेस्टिस, एंड्रोजन। ये अक्सर एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ओ से ऑस्ट्रोजन और ओ से ओवरीज, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप पूरा चार्ट बना करके इन हार्मोन्स को, उसके फंक्शंस को, उसकी डिजीजेस को याद कर सकते हैं और आपको ये भूलेगा भी नहीं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।